होली के ठीक दो दिन बाद यानी 21 तारीख को एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या इसलिए की गई थी कि वह मैनेजर पेट्रोल पंप से कमाई जो रकम थी उसको प्रताप सागर स्थित मेथोडिस्ट कैंपस में जो बैंक इलाहाबाद बैंक है उसमें जमा करने जा रहे थे, और उसी दौरान अपराधी आते हैं, बैग छीनते हैं और उसको गोली मार देते हैं जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो जाती है। उस मामले में आज खुलासा हुआ। आपको बताया कि फिलहाल हम बक्सर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हैं और यहाँ पे बक्सर एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उसमें जो लोग शामिल थे उसमें से कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उसमें जो लाइनर का काम कर रहे थे, जो गाड़ी चला रहे थे, जो शूटर लोग थे वो दो लोग फरार हैं, लेकिन फिलहाल उस मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल 4 गिरफ्तारियाँ हुई है। यह भी एक काफ़ी जो है कि पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था। इस पूरे घटना के उद्भेदन में जो है पुलिस के हर एक विंग के लोग लगे हुए थे। आपको डीएसपी डुमराव के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था जिसका लगातार मॉनिटरिंग हमारे स्तर से किया जा रहा था, और टीम के सारे सदस्यों के द्वारा 36 घंटे तक निरंतर जो है कि मेहनत करके पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन किया गया। उद्भेदन में अभी तक 1,87,000 रुपया हम लोगों ने बरामद किया है, 2 मोटरसाइकिल हम लोगों ने बरामद किया है, घटना में प्रयुक्त 2 हथियार और 4 जो है जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही साथ जो घटना के समय में और घटना के पहले जो बैंक में इन लोगों का जो मूवमेंट था, अपराधकर्मियों का जो कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों को भी हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें अभी तक 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 4 अभियुक्तों की हम लोगों ने गिरफ्तारी किया है, जिनका नाम गोलू, बबलू, उमेश और सोपन है। 3 अभियुक्तों को अभी तक हम लोग गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, बाकी जो है कि अनुसंधान का काम हम लोग विचार कर रहे हैं। गोली मारने वाला जो एक्चुअल जो शूटर था, जो गोली चलाया था, उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। 1 से 2 दिन में हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन जो पूरे का पूरा घटनाक्रम का प्लानिंग किया था गोलू था, उमेश था, जो नोजल मैन था पेट्रोल पंप का, जो उसी पेट्रोल पंप का नोजल मैन था, वो जो घटना में दूसरे घटना में वो शूटर था लेकिन इस घटना में वो मोटरसाइकिल चला रहा था जिसका नाम बबलू है, वो उनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने कर लिया। किस क्षेत्र के थे सर? दुर्भाग्य से या सौभाग्य से सभी के सभी बक्सर के थे। सर FIR किसके बयान? FIR में जो पेट्रोल पंप के जो प्रबंधन समिति के जो सदस्य थे उनके बयान पे जो है कि हम लोगों ने किया। लेकिन सर मृतक की पत्नी के द्वारा भी आवेदन दिया गया है, उसको भी जो है कि हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं और उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या चारों का आपराधिक इतिहास भी है क्या? 4 में अभी 2 का आपराधिक इतिहास है, 2 के आपराधिक इतिहास की जो हम लोग खंगाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल इट इज फिनिश्ड। इफ यूजफुल टू यू गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।